देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। प्रदेश की योगी मोदी सरकार जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ अभियान चलाए हुए। वहीं दूसरी ओर जनपद मैनपुरी में ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मंदिर अपनी ही जमीन बचाने के लिए जूझ रहा है, लेकिन बेशकीमती जमीन होने के नाते दबंग हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर मंदिरों की जमीन पर अपना दखल रातों रात बढ़ाने में लगे हैं, जिसको लेकर मंदिर से जुड़े श्रद्धालु खासे परेशान हैं। जी हाँ, हम बात करें जनपद के कस्बा करहल में ऐतिहासिक महत्व रखने वाला प्रसिद्ध मोटा मल मंदिर का, जहां मोटामल मंदिर से जुड़ी बेशकीमती जमीन पर दबंगों की निगाह लगी है। जहां कभी रातों रात सीमेंट के लट्ठे लग जाने से श्रद्धालु परेशान है, तो कभी मंदिर कमेटी की जानकारी के बिना बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य की तैयारी होने लगती है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा की घटना से हड़कंप मचा है। पुजारी को मंदिर से भाग जाने की भी धमकी की बात सामने आई। तमाम मंदिर कमेटी से जुड़े सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि भूमि के अभिलेखों में हेरा फेरी कर मोटामल मंदिर की जमीन पर दबंगाई के बल पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद भी दबंगों की मंदिर भूमि दखलअंदाजी बढ़ती जा रही है। परेशान श्रद्धालुओं ने नारेबाजी कर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। बताते चले कि करहल का मोटामल मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना के सेनानायक पंडित मोटामल महाराज ने संयोगिता हरण के दौरान कन्नौज के राजा जयचंद्र की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी। उनकी शहादत में बना मोटामल मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था का केंद्र। बहरहाल हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा मोटामल मंदिर की बेशकीमती जमीन को बचाने में जुटे श्रद्धालुओं को इंसाफ मिलेगा या योगी आदित्यनाथ की सरकार में दबंग मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के मंसूबों में सफल हो जाएंगे। इस मामले को लेकर श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। योगी जी न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। राम बहादुर जी, ये मोटामल महाराज जी का मंदिर है, करहल में है, क्या है इसकी दिक्कत, क्या आ रही है? आप लोग इकट्ठे हुए हैं, एसडीएम से शिकायत की है, क्या मामला है, क्या दिक्कत? अरे, दबंग लोग मालिक कब्जा कर रहे हैं इसमें, दबंग कब्जा कर रहे हैं। किसकी जमीन है ये, क्या है ये? मोटामल महाराज की, हनुमान जी। कितनी पुरानी है करीब ये? अरे साहब, कुछ कई पुरानी है, पृथ्वीराज चौहान के जमाने की है, कई वर्षों, कई वर्ष ये मोटामल महाराज जी यहाँ पर मारे गए लड़ाई युद्ध में। क्या इतिहास है, कुछ जानते हो गए आप? बहुत पुराने लग रहे हैं हमें। पुराने तो हैं, 86 साल की उम्र है मेरी। क्या इतिहास जानते हैं मंदिर का? इतने जानते मान लीजिए कि यहाँ सुनी गई है, बताते लोग यहाँ मारे गए थे सेनापति। अच्छा, सेनापति थे मोटामल जी। क्या मामला है, मोटामल मंदिर जमीन का कब्जे का आरोप आप लोग लगा रहे हैं किसी लोग? प्रशासन से हम काफी बार जा चुके हैं, प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बार बार ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं, बाउंड्री आ गई है, बाउंड्री कर रहे हैं दबंग लोग, कब्जा कर रहे हैं मंदिर की जमीन पर। तो हम ये प्रशासन, और ये जमीन मोटामल जी के नाम है, ये जमीन मोटामल जी के नाम कर दी गई। टोटल जमीन जो भी आती है वो सब मंदिर के नाम आती है। 2011 में ये गड़बड़ कर दिया गया, ये नंबर अलग कर दिया गया है। कौन लोग हैं कब्जा कर रहे हैं, दबंग कितने बीघा पे कब्जा कर रहे हैं? करीबन वो 4 बीघा के समथिंग जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, और इधर से रास्ता मांग रहे हैं, जो कि अभी इस समय हनुमान जी के नाम दर्ज होकर आ रही है। क्या चाहते हो प्रशासन से? आप लोग कई बार प्रशासन से हम ये चाहते हैं साहब, मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा न किया जाए। जबकि हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में 1 इंच भी कहीं भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। और साहब, करहल में देख लीजिए आप, इस समय कितना कब्जा यहाँ पे जमीन पे 4 बीघा पे कर रहे हैं। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं प्रशासन से, अभी तक क्या कार्रवाई की है प्रशासन? प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, नहीं किया अभी। दीपेंद्र भारती, कल्पन जी, क्या मामला है, मोटामल मंदिर की जमीन का कोई मामला है? आप लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्री मोटामल महाराज के श्री चरणों में नमन। मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ अराजक तत्व इस मंदिर की जमीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखी है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी तरीके का यहाँ अराजक तत्व कोई कब्जा नहीं कर पाए। कितनी जमीन पे करीब कब्जा किया जा रहा है, कितनी जमीन मंदिर के नाम है? ये लगभग 14 बीघा के समथिंग इस मंदिर के नाम की जमीन है। इसमें से 4 नंबर में ये पूरी जमीन आती है। इसमें से 1 नंबर 2011 के बाद से कहीं अंकित करा लिया गया है, गलती से या भूलवश उसी नंबर को लेकर के उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं, और पूर्व आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि किसी तरीके कोई कब्जा नहीं हो पाएगा। यही बोलने की कौन कौन लोग नाम बता दियो, फला फला लोग। हाँ जी, रणवीर सिंह, क्या मामला है मोटामल का जो कब्जे की बात बता रहे हैं, क्या है ये? हाँ जी, हकीकत है कि मोटामल महाराज की जमीन है और हमारी उम्र 71 साल की है गई, और तब से हमारे से पहले से ही है, और मोटामल के नाम से ही ये पूरी जमीन है। करीब कितनी जमीन होगी, कौन लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं, कितनी जगह पे कब्जा? ये आप मतलब दबंगे ही हैं जो नहीं टिकन देते।
कोई बाबा आ जाए बाबू नहीं टिकन देते। आप यही रहते हैं आसपास? हाँ यही रहते हैं। क्या इतिहास है मंदिर का, क्या कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में? ये मोटा मल्ल जो है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे और उन्हीं दौर में जब उनका मतलब सेनापति लड़ते लड़ते यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए और उसी आधार पे ये मोटावल महाराज के नाम से मशहूर है मंदिर बन गया। कितना पुराना मंदिर होगा? करीब कम से कम 200 साल पुराना, 200 वर्ष पुराना। हाँ कम से कम, ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा भी होगा, इससे ज्यादा होगा। क्या चाहते हो आप लोग प्रशासन? हम चाहते हैं कि मंदिर